नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। 18वीं लोकसभा का पहला शपथ, संसद शपथ का प्रोग्राम था, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा खड़ा किया संविधान की कॉपियां लेकर, संविधान को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा इस तरह का आरोप लगाए। बीजेपी सरकार जिस तरह से संविधान को कमजोर करने में जुटी हुई है काफी समय से, उसको उस मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो उससे पहले कैंपेन के दौरान विपक्ष ने, यानी कि कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने, इस मुद्दे को काफ़ी भुनाया और बुनाने में ये कारगर भी रहे, सफल भी रहे। इन्होंने ये मुद्दा बनाया कि अगर बीजेपी आती है, 400 पार जाती है, तो फिर संविधान खतरे में है, संविधान के साथ उलटफेर हो सकता है, SC ST आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। उन मुद्दों को जिस तरह से विपक्ष ने भुनाया इस लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें काफ़ी वो कारगर भी रहे। वो जिस तरह से सीट उनकी आई है ऊपर, विपक्ष मजबूत हुआ है, और बीजेपी जिस तरह से नीचे अटक गई, हालांकि NDA गठबंधन ने सरकार बनाई है, लेकिन विपक्ष को खूब पता था और लगता है और आज भी लगता है कि संविधान खतरे में, इस मुद्दे को अगर लेकर हम चलेंगे तो देश की जनता को हम अपने साथ करने में सफल होने की आशंका कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। अब राजस्थान में भी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, 5 जगह, पंचायत के उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। विपक्ष चाहता है जिस मुद्दे के आधार पर हम लोकसभा में सफल हुए हैं उन मुद्दों को छोड़ा नहीं जाए, उन मुद्दों को जीवित रखा जाए, संविधान जैसे मुद्दों को, आरक्षण जैसे मुद्दों को, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव, उनमें सफलता पानी है। अब वो कितना सफल होंगे, कितना विफल होंगे, ये मुद्दे जो वो बना रहे हैं, बनाते आए हैं, वो तो पता लगेगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर काफ़ी सजग है और काफ़ी चिंतित भी है और तैयारियां कर रही है कि जो 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनको किसी भी तरह से फतेह करना है। अब फतेह कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी है, प्लानिंग क्या होनी है, वो तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है कि हम इन सीटों को जाने नहीं दें, जनता क्या फैसला करती है वो समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है, जिसकी उम्मीद बीजेपी के ना तो कार्यकर्ताओं ने की थी ना नेताओं ने की थी, क्योंकि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी सरकार बन गई, अच्छे बहुमत से बन गई। अब आलम यह है, आज हम चर्चाएं सुनते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, कई बार सुनने को मिलता है, कई बार पत्रकारिता के काम से हमें बीजेपी के विधायकों के पास इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता मिल जाते हैं, और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आपको अमूमन कई जगह मिल जाते हैं, चाहे पार्क में मिल जाते हैं, चाहे सड़क पे या मार्केट में मिल जाते हैं। अमूमन एक चर्चा जो शायद बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है वो ये चलती है कार्यकर्ताओं बीच में, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि सरकार तो हमारी बन गई, बड़ी उम्मीद थी, पूरा पसीना भा करके मेहनत करके हम पार्टी को सत्ता में लेकर आए राजस्थान में, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब उम्मीद खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हमारे जो काम है हमारी अब कोई सुन ही नहीं रहा है, हमारी नेता नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, और नेताओं से काम कहते हैं, विधायकों से किसी काम की कहते हैं तो विधायक कहते हैं अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी मान नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर आपकी अधिकारी नहीं मान रहे हैं कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं के नेता नहीं सुन रहे, नेताओं की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो काम तो होंगे नहीं, और काम नहीं होंगे तो फिर निराशा का वातावरण है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, वो बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। क्योंकि इसी तरह निराशा का वातावरण हमने 5 साल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच भी देखने को मिला था हमको, जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो कार्यकर्ता छिटक गए थे कांग्रेस से, क्योंकि उनके काम नहीं कर रहे थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, ना तो विधायक सुनते थे, ना मंत्री सुनते थे, अधिकारी तो सुनते ही नहीं। वही आलम अब बीजेपी की ओर जा रहा है। जो चीज़ हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सुनने को मिलता था हम लोगों को, वो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सुनने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता काफ़ी हताश हो चुके हैं, हताश हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है उनको अभी, कि उनको उम्मीद इस बात को लेकर है, 6 महीने हुए हैं अभी सत्ता को आए, हो सकता है, कहते हैं नई नई जब चीज़ होती है तो थोड़ा अपना रंग रूप ज़्यादा दिखाती है, थोड़ा पुरानी हो जाएगी, 1 साल 2 साल 1.5 साल हो जाएंगे
तो सही डर्रे पे आ सकते हैं। इस तरह की उम्मीद कार्यकर्ता हालांकि कर रहे हैं लेकिन हताश हैं। अब देखिए, अगर कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे, कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए मेहनत करता है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि उसकी पार्टी अच्छे मुकाम पर पहुंचे और सत्ता में आए, लेकिन दूसरा उसकी जो मांग होती है, जो उम्मीद होती है, वो ये होती है कि जब हमारा संगठन, हम जिस पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब वो पार्टी सत्ता में आए तो फिर हमारे रिश्तेदारों के, हमारे पड़ोसियों के, क्योंकि देखिए नेतागिरी कार्यकर्ता जो है वो वोट मैनेजमेंट करते हैं, वो लोगों को जाकर कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि पार्टी के साथ आइए, पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपको ये फ़ायदा होगा, लोगों को पार्टी को वोट वो दिलाते हैं। तो जब सत्ता में आ जाती है तो फिर उन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है, जिन लोगों से उन्होंने वोट दिलाई है पार्टी के लिए, कन्विंस किया पार्टी की ओर ले करके वो आए थे, उन लोगों के काम तो कराने ही पड़ेंगे, उनके सुख दुख में आपको भागीदार होना पड़ेगा। और फिर जब ऐसा हो जाए कि कार्यकर्ताओं के तो नेता भी नहीं सुन रहे ना अधिकारी सुन रहे, तो फिर वो कार्यकर्ता करें क्या? तो इसके चलते हताश का माहौल भर जाता है। फिलहाल तो बीजेपी में कार्यकर्ताओं में हताशा है। अब वो हताशा कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, ये तो पता नहीं। इसके अलावा आलम यह है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जिस तरह से बयान आया है आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराने को लेकर, हिंदू हैं या नहीं, पूरे राजस्थान में विपक्ष ने इस मामले को गर्मा दिया है। गोविंद सिंह डोटरासरा का बयान आया है, टीकराम जूली का बयान आया है, कह रहे हैं निंदनीय है ये काम, इस तरह की भाषा एक शिक्षा मंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। आदिवासी हमारे देश के, हमारे राज्य के हैं, हमारा हिस्सा है, उनके डीएनए चेक कराने की बात नहीं कहनी चाहिए, शर्मिंदगीपूर्ण है। हालांकि मदन दिलावर को जब ये लगा कि मैं अब चारों तरफ से घिरने वाला हूँ या घिर गया हूँ, निंदा हो रही है, तो सफाई देने लग गए। लेकिन सवाल ये है कि नेता, चाहे बीजेपी को या कांग्रेस को हों, भावनात्मक रूप से इस तरह के बयान आखिर दे क्यों देते हैं? या तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर उतावले ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर जो सवाल जो पूछता है उसके चलते वो समझ नहीं पाते मैं क्या कह गया। और कई बार तो ऐसा होता है, नेता कई बार बयान भी दे जाते हैं और पीछे पता लगता है यार हमने तो गलत दे दिया बयान, ये नहीं देना चाहिए था, वो निकल गया मुँह से। ऐसा हमने अमूमन कई नेताओं से सुना है, पहले तो दे देते हैं फिर कहते हैं निकल गया मुँह से। अरे जनता ने आपको नेता बनाया है, लाखों लोगों को आप लीड कर रहे हो, रिप्रेजेंट आप करते हो, उसमें भी मदन दिलावर जैसे नेता जो काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं, वो जब किसी प्रश्न के जवाब में इस तरह का बयान दे दें तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। हालांकि राजकुमार राउत जो सांसद हैं, उनका भी उन्होंने मांग की है कि आदिवासियों का हर घर से ब्लड सैंपल हम मुख्यमंत्री और मदन दिलावर के घर भेजेंगे, हमारा डीएनए टेस्ट कराइए। लेकिन सवाल ये है, इन बयानों पर राजनीति होना स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष को एक मौका भी मिलता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस तरह के बयान से ना केवल विपक्ष को मौका मिलता है बल्कि जिन लोगों के खिलाफ आपने बयान दिया है उन लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी, जरा ये भी समझना चाहिए नेताओं को, क्योंकि वो भी इसी राजस्थान के नागरिक हैं, इसी देश के वासिंदे हैं, जब उनके डीएनए पर, उनकी हिंदुत्वता पर अगर कोई प्रश्न उठाए तो आखिर उनको लगता कैसा होगा, उसका एहसास भी नेताओं को करना चाहिए बयान देने से पहले, कह रहे हैं। उधर जो बात चल रही है वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन कर रखा था विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 11 सीटों पर लॉस हुआ, तमाम तरह के बातें मनाई जा रही हैं, तमाम तरह की रूमर चल रही हैं, चर्चाएं समाज में चल रही हैं, कह रहे हैं वसुंधरा होती नुकसान ना होता, कोई कह रहे हैं कि वसुंधरा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी सर्वोपरि होती है, जो भी नुकसान हुआ है वो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर हुआ है, स्थानीय मुद्दों के आधार पर हुआ है, फेस के आधार पर नहीं हुआ। लेकिन वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया, वसुंधरा राजे बता रहे हैं लोग कि काफ़ी हताश बैठी हुई है, कुछ कर नहीं पा रही हैं, करें भी क्या और करें भी कैसे, क्योंकि आपके सामने जिसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगी वो बहुत बड़ा संगठन है, उसमें भी मोदी अमित शाह जैसे लोग हों, बीजेपी जैसा बड़ा संगठन हो, पूर्ण बहुमत वाली राजस्थान में सरकार हो, फिर आप कर भी क्या सकते हैं। उदयपुर कार्यक्रम में जिस तरह से वसुंधरा राजे का दर्द छलका, जिस उंगली को के सहारे लोग ऊपर बढ़ते उस उंगली को काट देते हैं, इसका मतलब ये है कि भले ही आप सक्षम नहीं हैं विरोध करने के लिए, भले ही आप सक्षम नहीं हैं अपनी पीड़ा को बताने के लिए, लेकिन बातों ही बातों में इतना तो आप बता ही देते हो
कि आप हताश हो, आप पीड़ा में हो, आप खुश नहीं हो। अब देखिए, पहले से भी हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि सत्ता भाजपा की केंद्र में भी है, सत्ता भाजपा की राजस्थान में भी है। लेकिन जिस तरह से आज आम जनता में जो काम मिल रहा है, बिजली पानी की किल्लत जिस तरह से बरकरार है, सरकार से लोग नाराज होते जा रहे हैं, विपक्ष से इसको मुद्दा बना रहा है अच्छी तरीके से बिजली पानी किल्लत को। इसके अलावा जो नाराजगी और हताशा लोगों के बीच में है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों के काम क्या कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, तो राजस्थान में 6 महीनों के अंदर जिस तरह से विपक्ष अपना दावा पेश कर रहा है और विपक्ष जिस तरह से टारगेट सत्ता पक्ष को कर रहा है बिजली पानी मुद्दों को लेकर, लोगों की समस्याओं के समाधान न होने को लेकर, वह कब तक सुधरेगा ये सिस्टम वो तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो आज नाराजगी सत्ता पक्ष से है, जो निराशा सत्ता पक्ष से है, मुझे लगता है सत्ता पक्ष को इन मुद्दों पर काम करना चाहिए जिससे बिजली पानी की किल्लत का समाधान हो सके और जो हताशा लोगों में और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में है उस हताशा को खत्म करने का काम शायद संगठन को करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब लोग हताश होते जाते हैं तो फिर सरकार के लिए वो अच्छे शुभ संकेत नहीं होते हैं। हालांकि कलह जो होती है, कलह हर जगह होती है, कोई भी पार्टी हो आंतरिक कलह होती है, कई बार ऐसा होता है वो कलह सामने फेस पर आ जाती है, पर्दे पर दिखती है, कई बार कलह ऐसी होती है पर्दे पर नहीं दिखती लेकिन अंदर अंदर घुटन महसूस होती है। अब वो घुटन महसूस होती है कब तक पर्दे पर आ जाती है वो भी उसका भी पता नहीं चलता है, लेकिन लगता है सभी चीज़ चलती हैं पार्टियों में, लेकिन सत्ता पक्ष को ये जरूर करना चाहिए कि उस प्रदेश की जनता परेशानियों में ना रहे, बिजली पानी के लिए उनको जूझना ना पड़े। पानी तो राजस्थान में वैसे भी एक किल्लत रही है और आज पानी का आलम अगर ऐसा हो कि 500 से 800 और 700 रुपये में पर टैंकर एक एक घर को अगर रोज़ाना डलाना पड़े तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सत्ता पक्ष राजस्थान सरकार कब तक लोगों को सहूलियत देगी बिजली पानी की, कब तक कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेगी, उनके काम होंगे, वो सब देखने वाली बात होगी।